कृष्णा, सब कुछ हो रहा है। कृष्णा, हम कह रहे दरवाजा खोलो। कृष्णा दरवाजा खोलो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। हम कह रहे दरवाजा खोल। तुम्हें बेवजह पंगा मत लो। बेला, ये अंदर कैसे आ गए? पापा जी, हम वो सरदार के देखे थे, उसकी मुझे दाढ़ी। चुप! लगता है आज इस घर की औरतों की अच्छे से पूजा करनी पड़ेगी। इसने मंत्री जी के सामने हमारी भद पीट दी और तुम एक नया कांड रच रही हो। हैं? पगला गए हो क्या तुम लोग? आओ राधेलाल शुक्ला, आओ आओ। इस नाटक मंडली में तुम्हारी ही कमी थी, कहाँ थे बे? पापा जी, हम तो दोस्तों के साथ टहले थे नीचे। अच्छा, सोच लो, सच कह रहे हो ना? अरे पापा जी, एकदम सच बोल रहे। कि क्या हो गया? सब लोग खड़े हैं। बोल बेला, अब क्या करें? बोल। ठीक है पापा जी, आप हमें जो सजा देंगे हमको मंजूर है, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे, ये बात तय है। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं पापा जी, आप बस एक बार राधे भैया का फोन देख लीजिए। 6:45 पे इन्होंने अपने फोन से किसी से बात की थी या नहीं? पापा जी, हम बात करते हैं बेला से। अरे चलो, काहे रायता फैला रहे तुम यहाँ पर? चलो यहाँ से। छोड़िए, आज पापा जी अपनी जूती से भी हमें मारेंगे तो भी हमें मंजूर है, लेकिन हमको एक मौका मिलना चाहिए। पापा जी, आप बड़े हैं, आपका आदेश मानना हम सबका फर्ज है। पापा जी कहे थे कि कृष्णा घर से बाहर नहीं निकलेगी और कंपटीशन में तो हरगिज नहीं जाएगी, लेकिन हम कह रहे हैं हमने इन्हें देखा है। आप फोन चेक कर लीजिए, वरना हमको कैसे पता कि इन्होंने ठीक 7:45 अपने फोन से बात की है? जांच तो होनी चाहिए। लो, इम्तिहान है, देना तो पड़ेगा। जे लीजिए, पासवर्ड के है। अच्छा, बड़ी अंग्रेजी बोलने लगे हो। चलो बता दो, ये के का मतलब
कृष्णा है ना? पापा जी आप देख लीजिए हम 7:45 बजे किससे बात कर रहे थे। साजन का फोन आया था, हम चौराहे पे खड़े हुए थे। हम और 50 लोग लाके खड़े कर देते जिन्होंने हमको फोन पे बात करते हुए देखा था। अब तिलोकी भैया और बेला भाभी भी तो वहीं से निकल ले होंगे ना, उन्होंने भी देख लिया होगा हमको बात करते करते। मगर पापा जी उससे कुछ साबित थोड़े ना होता है। बात तो ठीक है इसकी। अबे तिलोकी देखे थे इसको? नहीं पापा हम। हाँ लेकिन 6:45 पे तो किसी का भी फोन आ सकता है, उसे क्या साबित होता है? बेला रानी पकड़ दे। पापा जी फोन। हाँ फोन। हेलो दादी जी, पहुंच गए ठीक से? ज्यादा वहां रहता तो नहीं फैला? शुक्ला जी ने बवाल तो नहीं काटा है? ये सब संतुलन तो बना हुआ है ना? अरे किसी को पता तो नहीं चला कि आप और बिट्टो मिस्टर एंड मिसेज कंपटीशन में भेष बदल के गए थे? अब आएगा मजा। अरे कट गया। अरे वो नेटवर्क गड़बड़ होगा बुआ जी, टेंशन मत लीजिए आप। अब चलिए वरना आपकी बस छूट जाएगी। अरे बस छूट जाएगी, चलो भैया चलिए हम मलियाबाद पहुंच के फोन करते, तुम लोग आना वहाँ। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा तुम्हें मिलके, खुश रहिए। राधेलाल शुक्ला, तुम हमारे मना करने के बाद भी कंपटीशन में गए हैं? और कुछ बोलना है राधेलाल? हैं? पापा जी। चुप! तुम्हारा समय समाप्त हो गया राधेलाल। अब तुम बस ये बताओ कि मिस्टर और मिसेज कंपटीशन में जो प्राइज जीते हो वो कहाँ है? मोटरसाइकिल? पापा जी सबसे पहले तो हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। कंपटीशन में जाने का आइडिया हमारा था, आपके मना करने के बाद भी हम कंपटीशन में गए थे। देखिए जीजा जी, हम कहे थे ना कि सिविल लाइन तो हमारे मुंह जबानी रट्टा हुआ है। ससुरा हमारे भी पहचान में नहीं आए। पापा जी हम इसलिए गए थे ताकि कंपटीशन जीत के राधे जी को उनकी बाइक लौटा सके। पापा जी ये तो अच्छी बात है ना? अब तुम लोग बताओगे कि अच्छी बात क्या है? राधेलाल हम तुमसे पूछ रहे हैं कि वो ससुरी बाइक कहाँ है जो तुम हमारे मना करने के बावजूद कंपटीशन में जीत के लाए हो? पापा जी आपको बुरा ना लगे इसलिए साजन भैया के घर छोड़कर आए हैं। देखिए पापा जी हम जानते कि हमने झूठ बोला है, हमने आपकी बात नहीं मानी है, पर
झूठ बोलने से अगर किसी को खुशी मिलती है तो बड़ों को तो माफ कर देना चाहिए ना। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। प्लीज त्रिलोकी। हाँ पापा, समझ गए। पापा जी प्लीज इस बार कुछ अलग से सजा दे दीजिए, आप हमेशा की तरह नाराज मत होइए हमसे। और इसमें कृष्णा जी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने सब कुछ हमारे लिए ही तो किया है। पापा जी पकड़ो। पापा जी, अरे आप सुनिए तो। पापा जी अब कहाँ जा रहे हैं? पापा जी सुनिए तो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।